मन के ऊपर और परम शब्द है परम पूज्य महाराज श्री के ऊपर बढ़ाई अत्यंत आदर होने के कारण ही लोग आते हैं, उनका यथार्थ में एक दक्षिणा टोकन के रूप में जिसको बोलते हैं हम देते हैं इन लोगों का, वाकई में जिनका एक प्रकार से ऋण है ऐसा कहा जाए तो वैदिक विद्वानों का मठ के ऊपर इस कार्य को विस्तार करने के दृष्टि से सभी को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। हमारे बीच में परम श्रद्धे स्वामी तेजोमयानंद जी आज उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। उनका मैं स्वागत करने के लिए हमारे रामधुन परिवार के मनोहर खोखले जी से निवेदन करता हूँ, हमारे रामधुन परिवार द्वारा और मठ के माध्यम से वो माल्यार्पण द्वारा परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी का जो है स्वागत करें। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय आपतये नमः। आज मैं इस सभा में आमंत्रित होकर के मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि प्रभु का नाम यहाँ पर सुनने को मुझे बहुत देर तक मिला। प्रभु की कृपा या प्रभु की वाणी, इसका अगर यथार्थ पर्यायवाची शब्द ढूंढना है तो सत्संग की फल में हम लोगों को मिलता है। भक्ति शास्त्र के जो व्याख्याता है उन्होंने कहा है कि भगवान के चार विग्रह हैं और ये चार विग्रह हैं उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला कथा और उनका धाम, और ये चारों के चार जो है वो भगवत स्वरूप है। हम लोग जानते हैं कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, कहते हैं कि नाम और नामी अभेद है। वही नामी जो है नाम होकर के भगवत हृदय में चिरंतन वास करते हैं, इसे नाम और नामी दोनों ही अभिन्न कहा गया है। तो नाम के रूप में भगवान ही भगवत स्वरूप ही है। आकार के रूप में देखो भगवान के विविध रूप है। भगवान जैसे कहते हैं एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो अलग अलग रूप से बहुधा रूप से हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो उनके रूप है भगवान के रूप है वो भगवत स्वरूप है। तीसरी है उनकी लीला कथा, जो कि भगवान की जो लीला कथा है कथाएं हैं वो भी हम लोगों को भगवान का स्वरूप ही याद दिला देती है। और चौथा है हमारे भगवान का धाम, जैसे अयोध्या वृंदावन जैसे है जहाँ भगवान निवास करते हैं, तीर्थ क्षेत्र है ऐसे। और ये चारों के चारों जो है भगवत स्वरूप है। अगर कोई साधक इसमें से किसी भाव का आश्रय करें, अवलंबन करें निष्ठापूर्वक आंतरिक पूर्वक, तो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने भी बहुत साधनाओं के बारे में कहा है लेकिन मेरा भला तो नाम से ही हुआ है, राम नाम से हुआ है, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। तो ये चारों के चार जो है भगवत स्वरूप है। अलग अलग प्रकार के साधक अपने रुचि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, आधिकारिक भेद के अनुसार भगवान को पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन कोई भी साधक निकृष्ट या उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुसार या अपने अधिकार के अनुसार वो अपने भगवान को पुकारता है और उनको अपने सरल मन से अंतकरण से पुकार करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ पर एक घटना, छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कि जैसे ऋषि मुनि से भी प्रभु राम के दरबार में एक बार भगवान राम हनुमान जी को प्रश्न करते हैं कि हनुमान तुम किस भाव से मेरी उपासना करते हो। अब हनुमान जी तो बुद्धिमता वरिष्ठम है, वो तो जानते हैं कि प्रभु अंतर्यामी है, फिर भी ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं हमको कि किस भाव से उपासना करते हो, तो इसके पीछे जरूर कोई एक महत् उद्देश्य है। तब हनुमान जी उसको उत्तर देते हैं कि जीव बुद्ध्या तु दासोऽस्मि आत्मबुद्ध्या पदंशकः, जीव बुद्ध्या देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि जीव बुद्ध्या पदंशकः आत्मबुद्ध्यात्मेवाहम् इति मे निश्चितामति। ये उन्होंने उत्तर दिया था कि जब मैं देह बुद्धि मुझ में रहती है तब मैं आप प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ।
जब चैतन्य का अंश है तब आप चैतन्य हैं और मैं आपका अंश हूँ, और फिर जब आत्मबुद्धि होती है यानी आत्मस्वरूप ज्ञान लाभ होता है तब मैं और आप एक ही हूँ, तत्वतः एक ही हूँ। इति में निश्चिता मति, और ये मेरी निश्चित मति बुद्धि यानी कि अर्थात अनुभूति है, ऐसा हनुमान जी ने कहा। तो सभी प्रकार के साधकों को संतुष्ट करने के लिए ये प्रश्न प्रभु राम ने हनुमान जी को पूछा था। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो है चार, हम लोगों ने कहा कि नाम के रूप में, इनके रूप के आकार के रूप में और इनकी लीला कथाओं के रूप में, जैसे हम लोग लीला कथाएं वर्णित है, तो ये सभी जो है इनके सुनने से ही हम लोगों का मंगल होता है। गोपी गीता में तो है, तप कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही मंगल होता है। श्रीमदाततम, श्रीमंडित है यानी ऐश्वर्य मंडित है, भौतिक सुख नहीं, भौतिक ऐश्वर्य नहीं है उसमें, लेकिन विद्या का ऐश्वर्य है, ज्ञान वैराग्य भक्ति विश्वास श्रद्धा, ये जो विद्या का ऐश्वर्य है उससे संपन्न है, पूर्ण है, दैवी गुण संपन्न है श्रीमदाततम, और विस्तार करता है। तो इसीलिए भगवान की ये जो महिमा है, जैसे हम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर करते हैं, तो ये हम लोगों को ही जैसे भगवत स्फुरण लाने के लिए हम लोगों को लाभ देती है। उनकी तीर्थ हमारे जैसे उनके धाम है, वहां भी हम लोग क्यों जाते हैं तीर्थ क्षेत्र में, क्योंकि उद्दीपना लाने के लिए। भक्त भक्त किस लिए वहां पर जाते हैं? भक्ति की उद्दीपना के लिए, भगवत भाव का स्फुरण वहां पर होने के लिए वहां पर जाते हैं। और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के भगवान नाम जो करते हैं, भगवान की जो चिंता करते हैं, उससे हमारे भगवत भक्ति में वृद्धि होती है। अंत में मैं केवल रामदास स्वामी जी की ही एक छोटी सी प्रार्थना है, उसको आपको बता करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। रामदास स्वामी जी ने प्रार्थना की थी, कोमल वाचा दे रे राम, विमल भक्ति दे रे राम, सज्जन संगति दे रे राम, मज विण तू मज दे रे राम, ये कहा है। तो उसमें ये कहा था कि कोमल वाचा दे रे राम, जो कि हमारी वाणी हो वो सुष्ठ हो, सारम सुष्ठम मधुम मितम कहा गया है, कि सार बातें हो, सुष्ठ हो, मित हो, कम कथा बात करें और प्रिय कथा बोले, सारम सुष्ठम मधुम मितम। तो कोमल वाचा दे रे राम, विमल भक्ति दे रे राम, जिससे कि हमारे भीतर में वो विमल भक्ति आए जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति, मलिनता, विषय सुख के प्रति जो आसक्ति है वो न रहे, वो विमल भक्ति है। सज्जन संगति दे रे राम, सत्संग, ये सत्संग ही तो हम लोगों को कहां से कहां तक ले जाता है। सत्संग से ही मनुष्य भगवान की तरफ जाता है, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान लाभ तक कर सकता है, ये सत्संग की महिमा है। और चौथा जो कहा है कि मजविण तू मज दे रे राम, यानी कि अहंकार शून्य जो आप हैं वही मुझे आप चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपको लाभ कर सकूं, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अहंकार है। जब अहंकार मन से चला जाता है तभी भगवान महाप्रभु अपने हृदय में प्रकट होते हैं, क्या भगवान का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसी यही प्रार्थना हम भी प्रभु के चरण में करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि यही प्रार्थना से हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए। धन्यवाद।